नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑन विद स्पेशल क्यू। आज मैं लेकर आई हूँ कि हाउ टू मेक ऑरेंज पील पाउडर इजीली एट होम। मार्केट में ऑरेंज पील पाउडर इजीली अवेलेबल मिल जाता है, बट उसमें केमिकल्स मिक्स आते हैं, तो इस वजह से होममेड पील पाउडर आपके लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए ऑरेंजेस। ऑरेंजेस को अच्छी तरह से पील करके उनका जो पील है, हमें उसको धूप में सुखाने के लिए अच्छी तरह से रखना है, अप्रॉक्स 2 दिन के लिए। सो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। जो ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं। मैंने इसे धूप में सुखाया था और ये मैंने 2 to 3 days वर्किंग डेज में इसको सुखाया हुआ था और ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं। जस्ट वी लाइक क्रैकल, ये क्रैक हो रहे हैं कम्प्लीटली। और मैंने इसको 5 to 6 क्वान्टिटी ली थी इसकी, जिससे कि आधा डब्बा ईजिली भर जाए। इसे पीसेस करना है। अगर हम डायरेक्टली मिक्सर ग्राइंडर में इसको करने के लिए रखेंगे तो ये कुछ कुछ आधे मिक्स होंगे, कुछ कुछ आधे ग्राइंड होंगे और कुछ कुछ ऐसे ही रह जाएंगे। सो मैं बेसिकली सबसे पहले छोटे छोटे इसके स्मॉल क्वांटिटी में टुकड़े करना है, जस्ट लाइक दैट, जैसे मैं ये कर रही हूँ। तो इसको ग्राइंड होने में इजी रहेगा और ये काफ़ी अच्छी तरह से इसका पाउडर बनकर निकलेगा। टिल पेस्टल में इसको नॉविंग कर रही हूँ, इसकी कूट रही हूँ, जस्ट बिकॉज अगर हम डायरेक्टली मिक्सर ग्राइंडर में इसको डाल देंगे तो इसका हमें जो पाउडर है वो फाइन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो सबसे पहले हम इसे मेटल पेस्टल में नॉविंग इसकी करेंगे, मींस कूटेंगे। तो ये मेरे दादी के ज़माने का मेटल पेस्टल है, आप किसी को भी ले सकते हो। डायरेक्टली अच्छी तरह से नॉविंग कर रही हूँ, उसको कूट रही हूँ। तो ऑरेंज पील पाउडर कंटेन्स क्या, मींस ऑरेंज पील पाउडर कंटेन्स विटामिन सी विच हेल्प्स टू फॉर्म कोलेजन एंड इलास्टिन विच इज़ द सीक्रेट टू ब्यूटीफुल स्किन। और ये हमारी स्किन को यूथफुल और ब्राइट रखने में बहुत मदद करता है। एंड ऑरेंज पील कंटेन्स ऑल्सो गुड अमाउंट ऑफ प्रोविटामिन ए, फॉलेट, राइबोफ्लेविन, थायमिन, विटामिन B6 एंड कैल्शियम। अब हम सबसे पहले इसको डाल देते हैं मिक्सर ग्राइंडर में एक फाइन पाउडर का पेस्ट बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे टू मेक अ फाइन पाउडर लाइक दिस। इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह से और ये फाइन पाउडर के पेस्ट में अच्छी तरह से मिक्सचर आ चुका है, बट अभी भी इसमें थोड़े थोड़े बड़े ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं जो अच्छी तरह से इससे नहीं हैं। तो मैं एक प्लेट और एक छन्नी की हेल्प से इसको अलग अलग करूँगी, लाइक बड़े जो ग्रेन्यूल्स हैं उसको अलग और जो इसका फाइन पाउडर है वो प्लेट में आ जाएगा। तो कोई भी आप आटे की छन्नी या फिर जिससे आप आटा छानते हो या फिर कुछ भी, तो वो आप ले सकते हो, तो जिससे कि हमें एक सिर्फ फाइन पाउडर मिलेगा, बिकॉज हार्ड ग्रेन्यूल्स हमारी स्किन के लिए भी हार्श होते हैं, रेडनेस बढ़ जाएगी अगर आप हार्ड ग्रेन्यूल्स यूज़ करेंगे अपनी स्किन पर। तो मैं इसे अच्छी तरह से छान लेती हूँ लाइक दिस। अब मैं एक स्पून की हेल्प से इसको कंप्लीट, इसका जो फाइन पाउडर बचा होगा वो मैं निकाल लेती हूँ इसमें, और बाद में मैं ये हार्ड ग्रेन्यूल्स भी मेटल पेस्टल में पीस कर इसमें फाइन पाउडर में ऐड कर दूँगी छान कर, बिकॉज वाई वेस्ट। सो आप देख सकते हो हमें फ़ाइन पाउडर कम्प्लीटली मिल चुका है एज अ मार्केट। और अब मैं इसको बॉक्स में स्टोर करके रख देती हूँ। इसकी जो शेल्फ लाइफ है 5 to 6 months है, बिकॉज इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं है, ये बिल्कुल केमिकल फ्री है और ये होममेड है और ये मार्केट से बेटर है आई थिंक। सो आप इसे स्टोर करके मंथ्स टू मंथ्स के लिए रख सकते हो। और फिर ये जो हार्ड ग्रेन्यूल्स बच चुके हैं आप इसे भी बाद में पीस लीजिए। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे, मीन्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।